वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, लॉकडाउन खुल गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग फिर से जो है उसी तरीके से चलना शुरू कर दें जैसे पहले। देखिए, कोरोना से पहले की ज़िंदगी कुछ दूसरी थी, कोरोना जब से आ गया है तब से आगे की लाइफ कुछ अलग हो गई है। ठीक है, अब आप गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, तो यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्लास 12th में। और अगला चैप्टर क्या है उसी, देखिए हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो था वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब उस पर कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कुछ उपकरण है, वैद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिनको हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो ठीक है, हेडिंग लगाइएगा चैप्टर का नाम या अलग से शुरू करिएगा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वैद्युत उपकरण। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, वैद्युत उपकरण। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसमें देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। क्या पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर सेतु। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो मीटर, विभव मापी, विभव मापी। फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अमीटर, अमीटर। चौथा हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ओके, अगला हम लोग पढ़ेंगे, चलिए इतना ही पढ़ना, ये सारी चीजें, चार चीजें मेजर चीजें हैं जो हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो आज हम शुरू करेंगे क्या, मीटर ब्रिज। और आज हम मीटर ब्रिज के कॉन्सेप्ट और इस पर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर आईआईटी में जेई में, यानी कि आप कह लीजिए कि जेई एडवांस और मेंस में जो भी क्वेश्चन आए हैं आज तक के, हम वो सब सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, आज देखेंगे। तो क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं मीटर ब्रिज। हेडिंग डालिएगा, क्या डालना है, मीटर ब्रिज या मीटर सेतु, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज ये है आपका। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका काम क्या है, इसका काम है कि किसी तार का यदि हमें प्रतिरोध नहीं पता है तो उस तार का हम प्रतिरोध क्या करते हैं, मीटर सेतु की सहायता से बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसका जो काम है, क्या काम है, इसका काम है प्रतिरोध, लिखिएगा इसका प्रयोग, इसका प्रयोग अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके नाम से पता चल रहा है कि मीटर सेतु, तो इसमें जो तार हम लोग यूज करेंगे, जो तार हम लोग लेंगे उसकी लंबाई कितनी होगी, एक मीटर। तो लिखिएगा इसमें प्रयुक्त होने वाली तार की लंबाई
एक मीटर होती है, एक मीटर होती है, ठीक है। फिर अब यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो यह है आपका, लिखिएगा, यह वैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, यदि आपको पता हो तो हमने क्या किया था कि ये यदि व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा हूं, तो यदि ए है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, और यहां से एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है, और ये डी पॉइंट है, ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, ये आर फोर है। यहां से क्या करना है कि यदि यहां पर ये एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, जी, जी का क्या मतलब है, गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है, जी का काम यह है कि यदि इस सीडी ब्रांच में, यानी कि सीडी में यदि कोई भी करंट बह रही होगी, करंट यदि होगी, तो ये अपने, ये क्या हो जाएगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि ये जो सुई लगी रहती है, ये क्या करेगी, हिलेगी, डुलेगी, ठीक है। तो यहां पर आप, क्योंकि ये कैसा है, बैलेंस यूज्ड स्टोन ब्रिज है, इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल सी बिंदु का विभव और डी बिंदु का विभव क्या होगा, बराबर होगा। यदि ऐसा है तो देन, यदि ऐसा है तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4, ठीक है। ये चीज आपको मैं पहले भी बता चुका हूं और आज फिर से बता देता हूं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है कि यदि बिंदु C का विभव बिंदु D के विभव के क्या हो, बराबर हो, तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 होगा। या ये चीजें हैं, या यदि ये आपको कि R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 है, तो C का पोटेंशियल भी D के पोटेंशियल के बराबर होगा, या वाइस वर्सा, जैसे भी कह सकते हो। अच्छा, G के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है, G गैल्वेनोमीटर है, क्या है, गैल्वेनोमीटर है, यह है परिपथ में बहने, यह परि, यदि लिखिएगा, यदि परिपथ में, यदि परिपथ में कोई भी धारा बहती है, कोई भी धारा बहती है, तो इसकी सुई हिलेगी। मतलब कि गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर यह बताता है कि इस ब्रांच में करंट है या नहीं, यदि करंट होगा तो यह सुई क्या होगी, या तो दाएं चली जाएगी या बाएं चली जाएगी, ये सुई या तो दाएं चली जाएगी या बाएं चली जाएगी, लेकिन यदि कोई करंट नहीं होगा तो यह सुई आपकी कोई डिफ्लेक्ट नहीं होगी, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, आप पहले इसको नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए भैया, पहले इसे नोट करिए। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो आपका मीटर ब्रिज होता है, ये कैसा होता है बेसिकली, ठीक है। तो इसकी जो है, लिख दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन,
कि कैसे बनता है, ठीक है ना, इसका अरेंजमेंट क्या होता है, समायोजन क्या होता है। तो देखिए होता क्या है कि ये आपकी एक तार होती है जो कितनी होती है, 1 मीटर की होती है। कितनी होती है? 1 मीटर की। ये ए सिरा है, ये मान के चलो कि ये बी सिरा है, ये क्या है आपकी तार है। यह जो तार है वो किसकी बनी रहेगी? या तो मैग्निन की या कांस्टेंटन की, ठीक है। हम इस तार को जब लेते हैं तो ये ध्यान देते हैं कि यह तार उस मटेरियल की बनी हो, उस पदार्थ की बनी हो जिस पर जो है ताप बढ़ाने पर या ताप कम करने पर प्रतिरोध बढ़े या घटे नहीं। यानी कि हम ऐसी तार लेते हैं कि जिसका प्रतिरोध तापमान पर निर्भर ना करे। तो वह धातु मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सी होती है, कांस्टेंटन या आपका मैग्निन। ये दो आपकी धातुएं होती हैं जो क्या करती हैं कि जो इनकी जो वो होती है वो उस पर निर्भर, ताप पर निर्भर, इनका प्रतिरोध जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, एक तार है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये इसकी मोटाई हर जगह पर क्या है, बराबर है। इसकी मोटाई क्या है, हर जगह पर बराबर है। अच्छा, यहां पर देखिए, अब ये क्या हो गई आपकी तार हो गई। तार की लंबाई क्या करना है, 1 मीटर ही लेना है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। यहां से हम लोग एक स्केल बनाते हैं, एक स्केल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्केल लगा देते हैं। लगा दो भैया स्केल। ठीक है, ये क्या है आपका स्केल है, क्लियर, ठीक है। ये आपका क्या है, मीटर स्केल है। क्या है? मीटर स्केल है, रीडिंग करने के लिए मीटर स्केल है। लिख लीजिए मीटर स्केल है, क्लियर। ये आपका क्या है, ये क्या है आपकी तार है। ये क्या है? तार है। तार की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर कह लीजिए, या 1 मीटर, या 1 मीटर कह लीजिए। ये तार की क्या है, लंबाई है। अब यहां पर क्या करते हैं कि हम लोग धातु की कुछ प्लेटें लेते हैं, धातु की कुछ प्लेट लेते हैं, धातु की क्या लेते हैं, कुछ प्लेट लेते हैं, ठीक है। ये कुछ हम लोग इस प्रकार से प्लेटें लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग की क्या रही, प्लेट रही। ये किसकी प्लेट रहती है, लिख लीजिएगा, धातु की प्लेट, धातु की प्लेट। और बेसिकली कौन सी धातु की प्लेट लेते हैं, कॉपर की लेते हैं। किसकी लेते हैं, कॉपर की प्लेट हम लोग लेते हैं, क्लियर। अब यहां से क्या करते हैं कि ये जो प्लेट है, प्लेट के इस सिरे से और इसके बीच में हम एक तार लगा देते हैं, ठीक है, जिसका प्रतिरोध हमने मान लिया कि कितना है, R है। ये हमने एक तार लगाई है जिस तार का प्रतिरोध हमें पता नहीं है, ये क्या है, R है, यानी कि अज्ञात प्रतिरोध है। R क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है। और यहां पर हम क्या करते हैं, आप एक आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है कि एक वो बॉक्स होता है, उसमें हर एक तार पड़ी रहती है और हर एक तार का हमें प्रतिरोध क्या होता है, पता होता है। तो यानी कि ये जो आरबी है, इसको मैं एस से दिखा रहा हूं, ये आरबी का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स। और रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है कि हमें प्रतिरोध क्या होता है, पता होता है। और अब यहां से क्या करते हैं, अब यहां से हम करते हैं कि यहां से हम एक बैटरी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमने बैटरी जोड़ दिया, ये हमने बैटरी जोड़ दिया। और यहां से क्या करना है,
अब ये चीजें हैं, पहले ध्यान से समझिएगा। अब यहां से क्या करते हैं कि एक पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, सी लेते हैं, सी लेते हैं, पॉइंट क्या लेते हैं, सी लेते हैं इस प्लेट के मध्य में, और यहां से हम क्या करते हैं, एक तार लाते हैं जिस पर हम क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, गैल्वेनोमीटर का काम सिर्फ इतना है कि यदि इस तार के थ्रू करंट बह रही होगी तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो या तो राइट हैंड साइड चले जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, या लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद क्या करते हैं कि यहां से इस तार को इस प्लेट से जोड़ते हैं, ये जो तार है हमारी उस तार से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और ये वाला पॉइंट जहां पर ये पॉइंट टच किया है, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, डी पॉइंट नाम दिया। क्या पॉइंट नाम दिया, डी। और ये जो इस तरीके जो ये जो तार आई है, और ये तार में एक चाकू की तरह है, इसको मैंने जे नाम दिया। क्या नाम दिया, जे। जे मतलब जॉकी, ठीक है। तो अब यहां से देखिए कि हमने क्या क्या लिया है। तो पहले सबसे पहले देख लीजिए कि R क्या है, तो R है आपका अज्ञात प्रतिरोध है। क्या है, अज्ञात प्रतिरोध है, ओके क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, S क्या है आपका, S मतलब कि रेजिस्टेंस बॉक्स, ये आपका ज्ञात प्रतिरोध है। कैसा है, ज्ञात प्रतिरोध, ये पता है आपको, ज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। जे को यार हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं। और जॉकी का, जॉकी क्या होती है कि ये एक धातु की क्या होती है, रॉड होती है, ये तार होती है, धातु की क्या होती है, तार होती है, जिसके जो सिरा होता है उस पर क्या रहता है, चाकू के जैसे धार रहती है। क्या रहती है, चाकू सिरा रहता है, ठीक है, धारदार सिरा रहता है। तो लिख लीजिएगा, यह धातु की तार है जिसका सिरा धारदार रहता है, धारदार रहता है, क्लियर। अब क्या करना है कि देखिए, ये प्रतिरोध तो हमें ज्ञात करना है, ये प्रतिरोध हमें क्या है, पता होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस जॉकी को देखिए स्लाइड नहीं कराते हैं, स्लाइड मतलब घसीटते नहीं है, उठा उठा के रखते हैं। कि ऐसा क्यों करते हैं, यदि हम ऐसा इसको उठा उठा के नहीं रखेंगे तो ये तार में क्या होगा कि ये इससे क्या होगा, रगड़ेगी, ठीक है। और ये इसका सिरा कैसा है, चाकि धारदार है, तो ये क्या करेगी, कुछ ना कुछ तार का मटेरियल जो है क्या करेगी, निकालेगी, निकाल लेगी, ठीक है। तो ताकि, क्योंकि मटेरियल जो तार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमेशा बराबर बना रहे, इस वजह से हम क्या करते हैं, इस तार को, इस जॉकी को घसीटते या स्लाइड नहीं कराते हैं, उठा उठा के रखते हैं। अच्छा, अब हम इस जॉकी को कहां पर रखते हैं, पॉइंट डी पर। अब मैं बता रहा हूं कि पॉइंट डी क्या है। यदि इस तार की लंबाई आपको टोटल पता है कि कितनी है, 1 मीटर है, यानी कि 100 सेंटीमीटर है, तो ये तार यदि यहां से लेके यहां तक L है, पॉइंट A से लेके पॉइंट D तक क्या है, L है, और पॉइंट तो D से लेके B तक कितना हो जाएगा, 100 माइनस का L हो जाएगा ना, 100 माइनस का L, इतनी ही तो लंबाई होगी भाई, 100 सेंटीमीटर है, तो यदि ये L है तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस का L। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि ये जो D पॉइंट है, ये क्या है, D आपका एक नल पॉइंट है। D क्या है, नल पॉइंट है, लिखिएगा D क्या है, नल पॉइंट। नल पॉइंट का क्या मतलब है, नल पॉइंट का मतलब है देखिए कि इस तार की इसी जगह पर क्या होगा कि भाई ये जो हमने जो तार लिया है, जो AB जो एक तार है, उसमें क्या किए हैं कि ये जो D पॉइंट है ना, D पॉइंट पर ही क्या होगा कि ये जो CD ब्रांच पर करंट नहीं बहेगा, D पॉइंट पर ही क्या होगा, ऐसा चीज होगा कि C और D के मध्य करंट नहीं बहेगी, यानी कि इनके बीच जो आने वाली धारा है वो क्या होगी, शून्य होगी, विद्युत धारा नहीं बहेगी। नल पॉइंट का मतलब ही यही है कि B का पोटेंशियल C के पोटेंशियल के बराबर हो गया, ठीक है, यानी कि कोई धारा नहीं बहेगी, कोई धारा नहीं
बहेगी। ठीक है, चलिए। तो अब देखिए कि अब क्या है। अच्छा, तो थोड़ा सा लिख लीजिए कि एबी क्या है, आपकी एक तार है। एबी, एबी जो है मैग्निन, मैग्निन या कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन की बनी तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हर एक जगह समान है, हर एक जगह समान है। क्लियर। जॉकी वगैरह सब लिख ही दिया है, ये मीटर स्केल है ये भी लिख दिया है। अच्छा ठीक है, ये भी लिख लीजिए। हम तार के लिए इन्हीं पदार्थों का प्रयोग करते हैं क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि इन पदार्थों से बनी तारों का प्रतिरोध, प्रतिरोध तापमान पर निर्भर नहीं करता है। छाप लो, छाप लो, फिर आगे बढ़े। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, हम जो तार लिए थे, जो एबी तार लिए थे, हम मानते हैं कि उस तार का जो पर यूनिट लेंथ जो प्रतिरोध है वो कितना है, आर ओम पर सेंटीमीटर। तो लिखिएगा, माना तार एबी का प्रतिरोध, तार एबी का प्रतिरोध आर ओम पर सेंटीमीटर है। कितना है, आर ओम पर सेंटीमीटर। तो देखिए, वो तार जो हम लोग जो फिगर बनाए थे अपनी कॉपी पे देखिएगा, तो वो बेसिकली कितना था, वो बेसिकली कितना था, तो यदि आप ए से लेके डी तक देखोगे तो उसकी लंबाई कितनी थी, एल थी। तो वहां से जो आपका जो एडी जो तार है, अब देखिएगा जो एडी भाग की जो तार थी उसकी लंबाई कितनी थी, एल है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इंटू एल, कितना हो जाएगा, आर इंटू एल। अब फिर जो रेजिस्टेंस आपका डी से लेके बी तक था, यानी कि आर बी डी या डी बी जो भी लिखना है, वो कितना हो जाएगा, आर, और लंबाई कितनी है, 100 माइनस का एल, कितना है, 100 माइनस का एल, ये हो गया। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अब डी कैसा है, आपका नल पॉइंट है, डी कैसा है, नल पॉइंट है, यानी कि अब वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, यानी कि सीडी ब्रांच पर कोई भी करंट नहीं बहेगा। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये कुछ फिगर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये तो अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है, ये आर एडी है, ठीक है, यहां से देखो तो ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि ज्ञात प्रतिरोध है, एस है, और यहां से ये आपका ये आर बी डी है, क्या है, बी डी, ये ए, ये बी,
ये पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट डी। अब यहां से आपने क्या लगा लिया है, गैल्गनोमीटर, जहां से आपको पता है कि अब यदि इनका रेशियो क्या हो जाए, यदि इन बिंदुओं का रेशियो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो VC इज इक्वल टू VD। क्यों? क्योंकि D कैसा है, नल पॉइंट है। ये आपको क्या बता रहा है कि कोई धारा नहीं बहेगी, कोई धारा नहीं बहेगी, कोई धारा नहीं बहेगी, नहीं बहेगी। यदि ऐसा है तो क्या हो जाएगा कि R अपान RAD, मतलब A बाई A इज इक्वल टू J बाई J, S अपान RBD। क्लियर? RAD कितना है, ये आपका RL है, तो लिखो यहां से R L इज इक्वल टू S R 100 माइनस का R से R कैंसिल। क्या निकालना था आपको, निकालना था R, तो R इज इक्वल टू आपका आ गया L S डिवाइडेड बाई 100 माइनस का L, 100 माइनस का L। ये आपने अज्ञात प्रतिरोध आप ऐसे निकालेंगे। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े, नोट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है कि देखिए, अब हम लोग क्या है भैया, ह्यूमन है, ठीक है ना, आदमी है, तो आदमियों से गलती कुछ ना कुछ होती है। तो देखते हैं कि कितनी गलती होगी, यदि रेजिस्टेंस में कितनी गलती होगी। ठीक है, तो लिखिएगा मापे ज्ञात किए गए, ज्ञात किए गए प्रतिरोध में त्रुटि। कि देखिए कितनी प्रतिरोध में त्रुटि होगी वो हम लोग निकालते हैं। तो देखिए होता क्या है, अभी आपने देखा कि R बराबर क्या होता है, R बराबर L S डिवाइडेड बाई 100 माइनस का L, यही हम लोगों ने निकाला था R बराबर। तो यहां से यदि मैं डेल्टा R अपान R लिखूं, तो यहां से ये हो जाएगा डेल्टा L अपान L प्लस डेल्टा S अपान S प्लस डेल्टा 100 माइनस का L डिवाइडेड बाई 100 माइनस का L। अब आपको ये दिक्कत होगी कि सर ये कहां से आ गया ना, तो इसके लिए भैया आपको कहां जाना है, आपको YouTube पर टाइप कीजिएगा यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 ओलंपिया क्लासेस, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे। तो ये सब क्लास 11 की चीजें हैं, आप वहां पर, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है कि डेल्टा एस अपॉन एस, तो भैया इस पर तो कोई गलती हो ही नहीं सकती ना भाई। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये तो हमें पहले से पता है, जो चीज पता है क्या उसमें भी गलती होगी क्या? नहीं होगी। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये जीरो। तो यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस का डेल्टा 100 माइनस का L डिवाइडेड बाई 100 माइनस का L। क्लियर? ये रहा आप में, यदि आप यहां पर 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों तरफ, LHS में और RHS में भी यदि आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा मैं एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए ये जो भी है, आप जो है मापने में, लेंथ के मापने में आप कितनी अधिकतम त्रुटि कर सकते हो भाई। देखो जो हम रेजिस्टेंस निकाले हैं तो रेजिस्टेंस हम किसकी सहायता से, भाई लंबाई को नाप कर निकाले, तो लंबाई में कितनी आप अधिकतम त्रुटि कर सकते हो, तो जितनी आपकी मीटर स्केल की लीस्ट काउंट होता है, ठीक है, मैक्सिमम एरर आप कितनी कर सकते हो, तो लिखिएगा मैक्सिमम एरर
अधिकतम त्रुटि बराबर लीस्ट काउंट, किसके बराबर होता है? लीस्ट काउंट। बस ये इतनी ही आप अधिकतम एरर कर सकते हो भाई। देखिए लीस्ट काउंट के भाई, जैसे आप सेंटीमीटर की स्केल लेते हैं, ठीक है, आप यदि 6 इंच की जो पटरी रहती है तो उसमें एक एक सेंटीमीटर रहता है शायद ना, एक एक सेंटीमीटर, तो भाई उतनी ही तो गलती कर सकते हो ना एक एमएम की। भाई एक एमएम से ज्यादा गलती कहां कर सकते हो आप? नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फिर उससे ज्यादा तो आपको पता ही है। तो अधिकतम कितनी गलती कर सकते हो? देखो जैसे यहां से ये रही आपकी एक कोई स्केल है मान लो, ठीक है, ये आपके कुछ खाने बने हुए हैं, तो भैया यदि आप किसी को नापोगे तो उसमें अधिकतम त्रुटि क्या कर सकते हो भाई? इस खाने से इस खाने को एक पढ़ लोगे भाई, इनके बीच में जो दूरी है भाई आप इसको एक पढ़ लोगे ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब इससे ज्यादा को दो तीन को कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो ठीक है आप उतनी ही अधिकतम त्रुटि हो सकती है जितनी की लिस्ट काउंट होता है। तो भैया पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पहले इसको नोट करिए मेरे भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में है, देखिए अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया, इसमें हम लोग बहुत बड़ी गलती किए हैं। जो भी हम लोग फिगर पढ़े हैं, देखिए हम लोगों ने फिगर क्या पढ़ा है कि ये आपकी एक क्या है, तार है। अब मैं पूरी तार नहीं दिखा रहा हूं, इधर आपकी कुछ स्केल लगी हुई है, ठीक है, यहां से ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये आपका यहां से ये सी था, ये यहां से आपने प्रतिरोध जोड़ा हुआ था आर, ये आपका नॉन प्रतिरोध था एस जो ज्ञात था, ठीक है, यहां से आपने एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था, ठीक है, और यहां पर एक जॉकी के सहायता से आपने डी पॉइंट दिखाया हुआ था। इधर की लेंथ कितनी है आपने एल माना हुआ था, कितनी एल, और इधर की जो लेंथ है गई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 माइनस का, ठीक है। ध्यान से देखो तो जब आपने यहां से बैटरी जोड़ी थी, जब आपने ये बैटरी जोड़ी हुई थी, ठीक है, इसको हेडिंग डाल लीजिएगा इंड करेक्शन, एंड करेक्शन, अभी देखिए बता रहा हूं ये क्या है। देखिए एंड करेक्शन में क्या है कि देखिए अभी तक आप क्या करते थे, ये तार आपकी ए बी है तो आप सीधे इसी तार को नाप लेते थे ना भाई, जबकि आपकी ये वाली तार भी तो है, ये वाली भी तो वायर है भाई, इसकी लेंथ भी तो कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी, ये जो प्लेट है इसकी तरफ दोनों तरफ भी तो तार होगी, ये वाली भी तो तार होगी, हम तो सीधे मान लेते थे बैटरी आपकी यहां से जुड़ी हुई है, लेकिन इनके बीच में तो ये तो मेटल लगी हुई है ना। तो जब ऐसे करते हैं तो आप ये वाली के लिए क्या करते थे, ये तो त्रुटि हो गई, एरर हो गया ना भाई। भाई देखिए आपको लेंथ किसकी पता है, अभी तक आप जो आर बराबर निकालते थे एस एल अपान 100 माइनस का एल, तो आप यहां से क्या निकाल देते, ये इसी लंबाई पर ये यार, तो बीच में इसका कहां गया भाई, ये जो अधिकतर जो मेटल जो है अधिक निकल रही है, ये वाला सिरा जो है और ये वाला सिरा ये जो बढ़ रहे हैं, तो ये भाई ये तो नहीं ऐड हुआ ना, तो यानी कि यहां पर क्या है। तो अब क्या करेंगे कि यहां पर तो गलती हो रही है, तो अब इसको देखिए हर एक केसों में ये आपसे इंडकरेक्शन नहीं बोलेगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपसे इंडकरेक्शन नहीं पूछेगा, लेकिन यदि किसी में दे दिया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। तो देखिए अब क्या है कि ये तार हम यहां से मान लेते हैं कि तार का प्रतिरोध तो आपको पता ही रहता है ना भाई, यहां से यहां तक तार का प्रतिरोध हमने मान लिया था कि आर ओम पर सेंटीमीटर है, कितना है आर ओम पर सेंटीमीटर। तो यदि इसका प्रतिरोध दे दे कि यहां से इस सिरे का प्रतिरोध मान के चलो कि दे दे आपको 8 ओम दे दे, कितना दे दे 8 ओम दे दे, कितना दे दे 8 ओम दे दे,
और इधर का प्रतिरोध आपको 6 ओम दे दे, कितना दे दे 6 ओम दे दे, तो इसका मतलब क्या है कि आपका पक्का पक्का आपके एंड करेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एंड करेक्शन की बात कर रहा है। तो देखिए, यदि आपके जो एबी तार का प्रतिरोध, यदि आपसे कह दे कि यदि आपके एबी तार का प्रतिरोध 2 ओम पर सेंटीमीटर है, कितना है लिख लीजिएगा कि यदि एबी तार का प्रतिरोध 2 ओम पर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अच्छा, अब देखिए, तो ये जो आर ए डी जो इस वाले सिरे का, अतः आर ए डी का एंड करेक्शन, ध्यान से देखना, तो ये वाला तार का तो प्रतिरोध आपका L इंटू 2L हो गया, जो भी दिया हुआ है, ये मान के चलो कि इसका प्रतिरोध तो आपको L दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है L, क्योंकि हमें लंबाई से ही पता होता था, तो इसका प्रतिरोध कितना है L। एंड करेक्शन की बात करें तो यहां पर लंबाई की बात होगी ना, कि भाई ये लंबाई तो जुड़ गई ना, ये लंबाई तो L है, इसके साथ साथ इसकी भी तो कुछ लंबाई होगी, तो इसके लंबाई के लिए कितना 8 ओम है, इसका प्रतिरोध कितना है 8 ओम है, लेकिन जब जो तार का प्रतिरोध कितना है 2 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यदि इसकी तार बनाई जाए तो कितने सेंटीमीटर बनेगी, तो 8 ओम पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में प्रतिरोध कितना है 2 ओम है, कितना है 2 ओम है, तो 8 ओम प्रतिरोध कितने में होगा 4 सेंटीमीटर में, कितने में होगा 4 सेंटीमीटर में। भैया 1 सेंटीमीटर में प्रतिरोध आपका कितना है 2 ओम है, तो आपका 8 ओम में का जो प्रतिरोध होगा उसके लिए तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, तभी ना भाई 1 सेंटीमीटर का 2 ओम, फिर 1 सेंटीमीटर का फिर 2 ओम, फिर 1 सेंटीमीटर का 2 ओम, फिर 1 सेंटीमीटर का 2 ओम, तो कुल मिला के 8 ओम का तार, यानी कि 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी कि लंबाई में इधर के लिए ये जो इधर के वाला ये वाला पोर्शन है दिखा, इस वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, ये जो आपका जो एंड करेक्शन आएगा, एंड करेक्शन की जो लेंथ आएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी L, भाई ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि इस सिरे का है, और ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 समझ में आया, कैसे आया कि ये आपको क्वेश्चन में दिए रहेगा, लेकिन ये चीज आपको ये दिए रहेगा, तो वहां से आपको इसको निकालना पड़ेगा, तथा आर बी डी, मतलब बी डी का एंड करेक्शन देखें, तो यहां से आप देखो तो क्लियरली क्या हो जाएगा, ये कितना है 6 ओम है ना, और ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 ओम पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में 2 ओम है, तो 6 ओम कितने में होगा 3 सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस का L प्लस का 3, ठीक है। तो ये रहा आपका एंड करेक्शन, ठीक है। ये एंड करेक्शन हमने क्यों किया, देखिए अभी तक हम लोग इसको नहीं पढ़ते थे ना भाई, हम तो सीधे मान लेते थे कि ये तार कहां से जुड़ी है, बैटरी जो है तार एबी से जुड़ी है, लेकिन भैया एबी के बीच में यहां पर जो है ये जो तार है इसके बीच में मेटल भी तो लगा हुआ है ना, तो मेटल की भी तो कुछ लंबाई लेते होंगे, मेटल की भी तो कुछ लंबाई होगी, उसका कुछ प्रतिरोध होगा, तो वहां से हम लोग इसको लिख दिया, क्लियर। तो चलिए इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन कर लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो नोट करिएगा इसे, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, कह रहा है कि R1 व R2 मीटर सेत को 2 जगहों पर लगे हैं, ठीक है। देखिए फिगर बनाते हैं, ये आपकी तार AB, ये 2 जगह है, यानी कि यहां पर आपका R1 लगा हुआ है, यहां पर आपका R2 लगा हुआ है, ठीक है। यही पूछा है कि R1 व R2 की वैल्यू हमें क्या करना है बताना है। अब यहां से ये आपका मान के चलो कि C पॉइंट है, यहां से एक गैल्वेनोमीटर G लगा हुआ है, ये आपकी जॉकी,
ये डी पॉइंट है, ठीक है। क्या कह रहा है कि R1 व R2 दो जगहों पर लगे हुए हैं, तो हाँ इनकी खाली जगह पर क्या है, ये लगे हुए हैं। क्या बोला है कि R2 बड़ा है R1 से, कह रहा है कि यदि नल पॉइंट बाएं से एक बटा तीन मीटर पर है, कहां से, बाएं से एक बटा तीन मीटर पर है, बाएं से एक बटा तीन मीटर पर है, तो यानी कि ये क्या दिया हुआ है, यदि आप ध्यान से देखो, यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्या दिया हुआ है, R1 अपान R2 इज इक्वल टू, भाई ध्यान से देखोगे तो ये लंबाई ही तो लिखते थे ना बटे में, तो R1 अपान R2 इज इक्वल टू ये कितने में है, लंबाई, तो ये है एक बटा तीन में दिया हुआ है, तो कितनी बच गई भाई, टोटल होती है एक मीटर, तो एक मीटर में एक बटा तीन घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, दो बटा तीन, तीन से तीन कैंसिल, यानी R1 अपान R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, एक बटा दो, कितना आ गया, एक बटा दो। फिर क्या कह रहा है, फिर यह कह रहा है मेरे भाई कि आपने क्या किया, इसको समीकरण नंबर एक ले लो, फिर कह रहा है कि अब आपने क्या किया कि 6 ओम के प्रतिरोध को R1 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, किसके साथ जोड़ा जाता है, 6 ओम के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो जब आप 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तो वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो यहां से अब जो श्रेणी क्रम के जो दूसरा जो केस बनेगा, ये केस वन था, ठीक है ना, अब केस टू, तो जब केस टू देखोगे तो यहां पर R1 की जगह पर अब कितना हो जाएगा, R1 प्लस सिक्स, क्योंकि वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, तो श्रेणी क्रम में तो ऐसे ही तो जोड़ते हैं, डायरेक्ट जोड़ते चले जाते हैं, तो R1 प्लस का सिक्स डिवाइडेड बाय R2। अब बोला है कि जो आपका नल पॉइंट है वो कहां पर आ जाता है, दो बटे तीन पर, तो दो बटे तीन पर आ गया, तो अब भाई टोटल होता कितना है, एक मीटर है, तो दो बटा तीन मीटर हो गया, तो कितना बचा, एक बटा तीन मीटर, तीन से तीन कैंसिल, यानी कि क्या बचा, R1 प्लस का सिक्स अपॉन R2 इज इक्वल टू टू, ये यहां से इक्वेशन नंबर दो, यहां से यदि देखोगे तो आपका ये क्या रहा है, R2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2R1, कितना आ जाएगा 2R1, यहां से वैल्यू पुट करोगे, यहां से वैल्यू पुट करोगे, लिखोगे समीकरण नंबर दो से, समीकरण दो से यहां से वैल्यू पुट करो, तो R1 प्लस का सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू आर टू की जगह पर फोर इंटू टू आर वन, तो ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस का सिक्स इज इक्वल टू फोर आर वन, ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री इज इक्वल टू टू, R1 कितना आ गया 2 ओम, R1 आपका यदि 2 आया है तो R2 आपका कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 R2 इज इक्वल टू 4 ओम, दैट्स इट, ठीक, उतार लीजिए, छापो। देखिए एक ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से आपका P एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक प्रतिरोध Q लगा हुआ है, ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ से नल पॉइंट आपको इस सिरे से यहाँ से 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कह रहा है अभी ये शुरुआत कंडीशन है, फिर कह रहा है कि यदि 50 ओम के प्रतिरोध को Q के साथ समांतर क्रम में जोड़ दे दिया जाए, अब कह रहा है कि Q के साथ हमें क्या करना है, समांतर में जो है हमें 50 सेंटीमीटर 50 ओम का प्रतिरोध क्या करना है, हमें इसके साथ जोड़ना है, तो कह रहा है कि जो आपका संतुलन बिंदु है यानी कि जो नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर दाई ओर बढ़ जाता है, यानी कि जो अभी 40 है वो कितना हो जाएगा 50 में, 10 आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 50 में हो जाएगा, कह रहा है पी व क्यू को ज्ञात कीजिए, पी व क्यू को ज्ञात कीजिए, तो देखिए केस नंबर वन जो आपका बनेगा, यहां से सॉल्यूशन देखिए, तो जो केस नंबर वन है वो तो आपको शुरुआत में ही दिया हुआ है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्या दिया हुआ है, P अपॉन 40 इज इक्वल टू Q अपॉन 60, यही तो है, यानी कि P अपॉन Q इज इक्वल टू टू बाई थ्री, दैट्स इट, ये आपका पहला। फिर आपको केस टू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, केस टू कि आपने क्या किया,
आपने किया क्या है कि इस Q के साथ 50 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दिया, किसके साथ, Q के साथ, तो यानी कि P अपान 50 Q, जब उनको समांतर क्रम में जोड़ोगे तो कुछ इतना आएगा, इज इक्वल टू 50 अपान 50, क्योंकि भाई 50 तो इधर आ गया, तो 50 सेंटीमीटर इधर, तो 50 सेंटीमीटर इधर, 50/50 यानी कि 1, यानी कि P इज इक्वल टू, ये पूरा इधर चला जाएगा, तो 50 Q डिवाइडेड बाई 50 प्लस का Q, दैट्स इट। आई होप यही होगा, ठीक है। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, यहां से किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहां से आप समीकरण नंबर 1 से लिखोगे, समीकरण 1 से, तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 2/3 Q, तो यहां से 2/3 Q इज इक्वल टू 50 Q डिवाइडेड बाई 50 प्लस का Q, Q से Q, ये वाला Q कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो 75 इज इक्वल टू 50 प्लस का Q, तो Q इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 25 ओम। और ये यदि आपका 25 आ गया तो यहाँ से देख लो, तो फिर से लिखो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से P इज इक्वल टू 2/3 इंटू 25 यानी कि 50/3 ओ। नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करें। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, समझिए क्या दिया हुआ है। एक आपको प्रतिरोध R है, R का हमें क्या करना है, मान निकालना है। ये 90 ओम का प्रतिरोध आपको दिया हुआ है, ये 40 ओम का आपका नल पॉइंट दिया हुआ, कि नल पॉइंट कहां पर है, 40 सेंटीमीटर पर है। अच्छा देखिए, यदि आपको ये दायां या बायां ना दे तब भी हमेशा आपको क्या करना है, कि हमेशा आपको किधर से मानना है, बाएं साइड से, हमेशा आपको किधर से मानना है, बाएं साइड से मानना है। तो अब देखिए R का अल्पमत मान, तो देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, R अपान S, R अपान S, या R इज इक्वल टू कितना होता है, L S अपान 100 माइनस का L। तो R यहां से आपको निकाल लो तो आपको कितना हो जाएगा, कि L आपका कितना है, कि L L तो आपको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 40, S कितना है 90 डिवाइडेड बाई 100 में से 40 गया तो कितना आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60। तो यहां से आप काटोगे तो खपाच खपाच काट दिया, 3 से काट दो, 3 × 6 3 त्रिकाई 9, 2 से काटा तो ये 20, यानी R इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 60 ओम। तो ये तो यार हर एक जगह मिल रहा है 60 60 60, यानी कि अब आपको पता चलना चाहिए कि यदि आपका ये प्लस माइनस लगा हुआ है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, त्रुटि वाला पूछ रहा है कि आपने कैसी त्रुटि की होगी। तो यदि ये आपका फार्मूला है तो डेल्टा R अपान R इज इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा L अपान L प्लस का डेल्टा S अपान S प्लस का डेल्टा प्लस का डेल्टा 100 माइनस का L डिवाइडेड बाई 100 माइनस का L। क्लियर। तो यहां से देखो तो ये तो आपका 0 होगा, क्योंकि ये तो आपको पता है। अच्छा, लीस्ट काउंट आपको कितना दिया हुआ, 1 mm दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1 mm, तो अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, इतनी ही हो सकती है ना। तो यहां से डेल्टा R अपान R इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, डेल्टा L मतलब कि 0.1, भाई लंबाई में तो मापने में त्रुटि इतनी ही हो सकती है, अधिकतम कितना है 40 प्लस का ये वाला, तो कोई बात नहीं, इसमें भी भाई 0.1 की है तो अधिकतम त्रुटि हो सकती है, क्योंकि लंबाई माप रहे हो, डिवाइडेड बाई 60। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा R इज इक्वल टू R इंटू 0.1/40 प्लस का 0.1
बटा 60, इसको जब सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू अभी आपने कितनी निकाली है 60, तो यहाँ से 60 का मल्टीप्लाई, यानी कि जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे डेल्टा r की, तो कितना आ जाएगा 0.25। और यहाँ पर देखो 0.25 का आंसर ये वाला, टिक, नोट करिए इसे। और तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इससे ही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं आती कि जो आपसे क्वेश्चन ना हो सके। तो देख लीजिए कितने क्वेश्चन, कितने आसान से क्वेश्चन हैं जो आपके आते हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो मैंने 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और देखिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इस पे आपको आपकी केमिस्ट्री की भी क्लासें चलेंगी। डोंट वरी, आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। देखिए इस साल आपको स्कूल जाना नहीं है, तो ये आप उसकी टेंशन मत लो कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जब भी मुझे लगेगा कि सिलेबस में हम लोग कुछ पीछे चल रहे हैं, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, आपकी डेढ़ डेढ़ घंटे की, दो दो घंटे की क्लास होगी, और वहां से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। देखिए वीडियो देखने का एक सेट तरीका क्या है, सबसे पहले आप एक बार वीडियो देख जाओ, पूरा वीडियो क्या करो, एक बार वीडियो देख जाओ, और जैसे ही मैं बोलता हूं कि छापो, तो आप उसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और एक बार जब कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो देख जाओगे तो आप फोटो से फिर आप जो है आप अपना छाप लो, नोट्स बना लो, क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।